हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताज़ा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट ताज़ा खबरें। तो बता दें कि यहां पर हरियाणा की रोज़ सुबह 6 बजे हरियाणा की टॉप 10 फटाफट खबरें शेयर की जाती हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, बार बार कहना पड़ता है, वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो पर ना ही लाइक करते हो ना ही वीडियो को शेयर करते हो। आप सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। साथ में हमें बताएं आप किस ज़िले से इस न्यूज़ को रोज़ाना देखते हैं, कमेंट में अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिखें। शुरू करते हैं हरियाणा के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि नियम 134A के तहत अब हरियाणा सरकार ने किया है ख़त्म, अब निजी स्कूलों में नहीं होगा फ्री दाखिला। तो हरियाणा सरकार ने नियम 134A को ख़त्म कर दिया है, अब गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में फ्री में दाखिला नहीं मिलेगा। इस नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों को 10% सीट रिजर्व रखनी होती थी, इस क्रम में विधिवत इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। निजी स्कूल संचालकों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें पंचायत चुनाव को लेकर के, बता दें कि अब वहीं हाई कोर्ट में जो अगली सुनवाई होनी है आरक्षण को लेकर के, वो अब 25 अप्रैल को होनी है। सरकार की ओर से बताया गया है जैसे ही फैसला आएगा तो पंचायत चुनाव को लेकर के तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। हरियाणा में ओपी चौटाला ने वृद्धावस्था पेंशन को लेकर किया बड़ा ऐलान, 21,000 बेरोजगारी भत्ता देने का किया वादा। तो इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला अम्बाला पहुंचे, यहां पर इनेलो प्रदेश प्रवक्ता ओंकार सिंह की आवाज़ पर वर्करों से मिले। उन्होंने कहा इनेलो की सरकार बनेगी तो वृद्धावस्था पेंशन में 10,000 रुपये दी जाएगी, साथ ही बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये देने का वादा भी किया है। हरियाणा के गुरुग्राम की मानेसर तक मिलेगी खास सुविधा, दिल्ली के धौलाकुआं से चलेगी मेट्रो योजना अंतिम चरण में। तो हरियाणा के गुरुग्राम व मानेसर के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है, दिल्ली से मानेसर तक जाना आसान हो जाएगा। गुरुग्राम की मानेसर तक अब दिल्ली के धौलाकुआं से पॉड टैक्सी चलेगी, पॉड टैक्सी यानी मेट्रो स्कीम अंतिम चरण में है। हरियाणा बोर्ड का हिंदी का पेपर लीक शुरू होने के 15 मिनट बाद इंटरनेट मीडिया पर वायरल। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से दोपहर को 12 से 3 बजे तक पेपर लिया जाना था, करीब 12:15 बजे पेपर इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो गया। उसके कुछ देर बाद बोर्ड में इसकी सूचना मिली तो टीमें एक्टिव हो गईं। विवादित कैंडी बाबा के डेरे के एक भवन में बनेगा कम्युनिटी सेंटर, कुरुक्षेत्र जिले की पंचायत को मिलेगा कब्जा। कुरुक्षेत्र की विवादित गुरु राजेश उर्फ कैंडी बाबा के डेरे का एक भवन ग्राम पंचायत को दिया जाएगा। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने इस भवन में कम्युनिटी सेंटर बनाने का आदेश दिया है, इसका रखरखाव संबंधित ग्राम पंचायत करेगी। हरियाणा रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के बाद बड़ी कार्रवाई, 5 जिलों के जीएम चार्जशीट, 5,750 कर्मचारियों को कटेगा वेतन। तो हरियाणा रोडवेज बसों के कर्मचारियों की हड़ताल के बाद अब राज्य सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। हरियाणा सरकार ने हड़ताल को रोकने में नाकाम रहने पर 5 जिलों के रोडवेज जीएम को चार्जशीट किया है, इसके साथ ही 5,750 कर्मियों का वेतन भी कटेगा। राहुल गांधी की नसीहत का हरियाणा के कांग्रेसियों पर असर नहीं, अपनी राह चलते रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं पर पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की एकजुटता की नसीहत का असर नहीं हुआ है, हरियाणा के कांग्रेस नेताओं की खिंचतान जारी है, पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी राह चलते रहेंगे। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। तो मार्च में गर्मी का तांडव शुरू, हरियाणा में टूटा कई सालों का पुराना रिकॉर्ड, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। बताते कि पश्चिमी विक्षोभ आए मगर सक्रिय नहीं हुए और प्रदेश के ऊपर से ही गुजर गए, ऐसे में सूर्य की सीधी किरणें धरती पर पड़ी जिससे तापमान वातावरण में काफ़ी बढ़ गया है। आगामी मौसम पर गौर करें तो हरियाणा में 31 मार्च तक मौसम आमतौर पर खुश्क व गर्म रहने की संभावना, इस दौरान दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी मगर रात्रि तापमान सामान्य के आसपास ही बने रहने की संभावना है। इस दौरान राज्य में बीच बीच में हवाएं चलने की संभावना है। तो वहीं हरियाणा के हिसार में गर्मी ने तोड़ा 77 वर्ष का रिकॉर्ड, तो इतनी गर्मी देखने को मिली है। अक्सर इस माह में तापमान कम ही रहता है मगर इस बार तो मंगलवार को हिसार में अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया, जो कि सामान्य तापमान से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक है। राम रहीम का बड़ा फैसला, अब इसको सौंपे की गई डेयरी की कमान, विपासना इंसा को प्रबंधन से किया बाहर। तो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम ने डेरा प्रबंधन में बड़ा बदलाव किया है। राम रहीम ने प्रबंधन को लेकर के बड़ा फैसला किया है कि अब डेरी के आधिकारिक तौर पर कमान डॉक्टर पीआर जैन नैन को सौंपी गई है, जबकि चेयरमैन रहीम विपासना इंसा को प्रबंधन से बाहर किया है। डेरा मुखी के जेल में जाने के बाद
सच्चा सौदा का संचालन प्रबंध समिति कर रही है। अभी तक इसके चेयरमैन विपासना इंसा थी, लेकिन वह करीब 2 साल से बीमार है और इलाज करवा रही है। ऐसे में डेरे का प्रबंधन कार्य प्रभावित हो रहा था। डेरा मुखी के जेल में होने के कारण बदलाव भी संभव नहीं था। 48 नगर निकायों के चुनाव में से पूर्व हरियाणा नगर पालिका कानून में होगा संशोधन। तो बता दें कि यह ऐसा पढ़ने और सुनने में भले ही आश्चर्यजनक लगे, परंतु वास्तविकता यही है कि हरियाणा में नगर निकायों के चुनाव मौजूदा कानूनी प्रावधानों के अनुसार राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्हों यानी कि पार्टी सिंबल्स पर करवाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि हरियाणा के दोनों नगर निकाय कानूनों में इस संबंध में कोई उल्लेख का प्रावधान ही नहीं है। हालांकि वर्षों से इस आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव करवाए जा रहे हैं और एवं आज तक किसी ने इस पर कोई आपत्ति या सवाल नहीं उठाया है। तो ये बड़ी खबर है। ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।